और कहाँ होंगे, वहीं खड़े हैं। नो एक्शन, नो ड्रामा, नो थ्रिल, ओनली इंतजार के जज्बात। आपने तो पका डाला, मैं जा रहा हूँ। चुप करो तुम, वहीं खड़े रहो। जब तक हम नहीं कहते तुम वहीं खड़े रहोगे, ठीक है? अरे लेकिन काट दिया। कब से? जी बचपन से। क्या बचपन से यहाँ खड़े हैं? अच्छा आप ये पूछ रही हैं कि मैं यहाँ कब से खड़ा हूँ? जी ये पूछ रहे हैं। मुझे लगा आप ये पूछ रही हैं कि मैं इतना डैशिंग, इतना हैंडसम कब से हूँ। मैं यहाँ पे पिछले 2 घंटे से खड़ा हूँ। अब आप ये पूछेंगे कि मैं यहाँ पिछले 2 घंटे से क्यों खड़ा हूँ। हाँ तो मैं आपको बता दूँ, हसीना आपा ने कहा था यहाँ खड़े रहने को। हसीना आपा? हसीना मलिक, SHO महिला थाना अमीनाबाद। हाँ हम बहुत अच्छे से जानते हैं वो कौन है, लेकिन वो आप कैसे जानते हो उन्हें? अरे कैसे जानता हूँ, अरे चेहरे पे नहीं लिखा कैसे जानता हूँ। अरे भाई हूँ उनका भाई, सबको लगता है हम दोनों जुड़वा हैं। इतनी डिट्टो शक्ल मिलती है हमारी, अगर मैं बाल लंबे करके और सूट पहन के बाहर निकलूँ ना तो कोई नहीं बता सकता वो है या मैं। नहीं नहीं सही बात है, आपका शक्ल मिल तो रहा है हसीना मैडम से, काफी मिल रहा है। वही तो। अब आप 2 घंटा से यहाँ खड़े हैं ना, तो आपने कुछ वहाँ पे कुछ हलचल होते हुए देखा था क्या? कुछ किडनैपिंग, कुछ तो फौजदारी देखा होगा, कुछ कोई आया होगा, कुछ हुआ होगा। अरे कहाँ मैडम, मुझे तो हर जगह सिर्फ मोहब्बत और जज्बात ही दिखाई देते हैं। जज्बात ही हम खाते हैं, जज्बात ही हम उड़ते हैं, जज्बात ही हम बिछाते हैं, जज्बात ही हमारी लाइफ है। अब हमको लगा कि आप हसीना मैडम के भाई हैं। जज्बात का जो वायरस अभी फैलाया ना आपने। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके सहयोग का, धन्यवाद जी। आपको कोई क्लू चाहिए था ना मैडम? हाँ मिल गया, वो देखिए वहाँ सीसीटीवी कैमरा। मैडम सर आप इतनी परेशान क्यों हो रही है? आपके परेशान होने से क्या हो जाएगा? पुष्पा जी कैसे परेशान नहीं हो हम, अब तक जो हो जाना चाहिए था हुआ ही नहीं है। अब तक मास्टर जी और उनके लोगों को पहुंच जाना चाहिए था हमारे कजिन सलमान को किडनैप करने के लिए, लेकिन अब तक पहुंचे ही नहीं है वो। नहीं मैडम सर मुझे लगता है आपने शायद गलत आदमी को ले लिया इस मिशन के लिए। तो फिर और क्या करते हम संतोष शर्मा, हमें इस काम के लिए ऐसा कोई आदमी चाहिए था जिसे मास्टर जी के लोग जानते पहचानते नहीं हो। और वैसे भी हमारा कजिन सलमान हमसे बहुत बार पहले कह चुका है कि वो पुलिस फोर्स के काम आना चाहता है, वो हमारी मदद करना चाहता है। तो हमने सोचा इससे अच्छा मौका और क्या होगा, इसीलिए इस मिशन के लिए हमने उसे चुना। मैडम सर देखिए कहाँ रहा है। नमस्कार, अभी अभी मिली खबर के अनुसार DSP अनुभव सिंह का किन्हीं अज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया है। ये अपहरण पुरियार घाट के पास हुआ है, जिसकी CCTV फुटेज सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर प्रसारित की जा रही है, जिसमें इस अपहरण की पूरी घटना कैद है। देखिए ये CCTV फुटेज। मैडम सर आपका भाई तो वही खड़ा है, मतलब ये है कि जो वहाँ पर किडनैप होने के लिए खड़ा था वहाँ पर खड़ा ही रह गया है, वो किडनैप ही नहीं हुआ है, और जिसको वहाँ पर नहीं पहुँचना चाहिए था वो पहुँच गया है। एक मिनट, ये सब एक ना बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। DSP सर और हमारा भाई जो है सलमान लगभग एक ही कद काठी के हैं, रंग रूप भी सेम है, और यहाँ तक कि उन्होंने शर्ट भी सेम रंग का पहना था। हो ना हो ये जरूर गलतफहमी की वजह से हुआ है, वो सलमान को उठाने आए थे और गलती से DSP सर को ले गए। सब गड़बड़ हो गया है और प्लान के हिसाब से बिल्लू और इकबाल दोनों गए थे मास्टर जी के घर। हम गरीब घर से है, मैं गरीब बाप, ये मेरी गरीब बेटी। मास्टर जी एक मांग भरने के लिए 5 लाख की मांग करते हैं, अब आप ही बताइए ये गरीब बाप गरीब बेटी के लिए ये मांग कहाँ से पूरी करेगा। देखिए आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। मास्टर जी एक लड़का हमारी नजर में है, हमारे ऋतु के लिए। ऋतु? ऋतु मेरी बेटी, ये मेरी गरीब बाप की गरीब बेटी। शक्ल दिखा ना मास्टर जी को। वो लड़का देसी है पर विदेशी है, मतलब लंदन रिटर्न है, वहाँ हेयर स्टाइलिश का कोर्स किया है उसने, बड़े बड़े सैलून में काम करता है, तनख्वाह भी अच्छी है। बस उसके माता पिता 25 लाख रुपए दहेज की मांग कर रहे हैं। अब मास्टर जी आप ही बताइए गरीब बाप अपनी गरीब बेटी के लिए 5 लाख दहेज नहीं दे सकता, वो 25 लाख कहाँ से देगा मास्टर जी, कहाँ से देगा? मास्टर जी आपसे बस एक विनती है,
कि मेरी गरीब बेटी का पकड़वा विवाह करवा दीजिए। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा मास्टर जी। क्या नाम है लड़के का? शशांक। कहाँ पाया जाता है? हर सोमवार 11 बजे पुरिया घाट पे आता है, अपने फ्रेंड से मिलता है, फिर दोनों वहाँ से मंदिर चले जाते हैं मास्टर जी। और हुलिया उसका? हर सोमवार सफेद शर्ट पहन के आता है, गोरा है, हट्टा कट्टा है, लंबाई में 6 फीट है, काली आंखें, सफेद गाड़ी से आता है। उसके बाद ही हमने हमारे भाई सलमान से कहा था कि वो शशांक बनकर कुड़िया घाट के पीछे चला जाए, ताकि मास्टर जी के लोग वहाँ आए, उसे किडनैप करें और हम उन्हें पकड़े रंगे हाथ। ये खाली है भाई। भाई आप अपना फोन बंद करके इसमें रख दीजिए। अच्छा, कोई जादू दिखाने वाले हैं? नहीं नहीं, अपने पास रखा है हिफाजत से। हैं? अच्छा है। और अपनी बिटिया का भी फोन रख दें। देखिए बुरा मत मानिए, लेकिन ये फोन नाम का जो यंत्र है ना, बहुत घातक है। और इसमें कैमरा नाम की जो चीज लगी हुई है वो तो सबसे ज्यादा घातक है। अरे गलती से अगर इधर उधर कोई बटन दब जाए और वीडियो बन जाए और फिर वो वायरल हो जाए, कहीं लेने के देने पड़ जाएंगे ना। ठीक है, गरीब बाप की गरीब बेटी का गरीब फोन। बेटियां आ गई हमारी, इधर इधर। क्या बड़ी शर्मीली है आपकी बिटिया, हमें तो हाथ भी नहीं लगाने दिया, खुद ही तैयार हो गई शादी के लिए। हाँ हाँ, बहुत शर्मीली है, बहुत शर्मीली। लेकिन मेकअप का सामान तो लाने ही भूल गई। मेकअप का सारा सामान हमारा ही लगा है और इसका तो शगुन बनता है। हाँ हाँ, जरूर बनता है आप लोगों का। आ जा बेटी, बैठो इधर। देखो कितनी संस्कारी। गरीब बाप की गरीब बेटी, नीचे बैठने की आदत है ना। बेटी ऊपर बैठो। अकेले में कुछ बात करनी है मास्टर जी। अकेले में कुछ बात करनी है। हाँ हाँ, आइए। नहीं हमें नहीं, हमें बात करनी है। आप लोग बातें कीजिए, मैं लड़के से मिल के आता हूँ। अभी अभी उठा के लाए मेरे आदमी उसे। अच्छा। करी। हाँ हाँ। ए, क्या रे, क्या बात करनी है? अभी तो शक्ल दिखा। शक्ल चक्कर शक्ल चक्कर मत पड़े, मैं तो मोबाइल का है। किसका? तेरा है मेरा? हाँ मेरा मेरा। तेरा मोबाइल? ओ मास्टर जी का आदमी लेके गया। क्या? तू अपना दे, अपना दे। मेरा? वो भी मास्टर जी का आदमी लेके गया। अभी तुम मैडम सर कैसे आएंगी? आप कैसे आएंगी? कैसे आएंगी? सारा प्लान उल्टा हो गया है मैडम सर। अब क्या? बिल्लू को फोन लगाओ। हाँ? जल्दी बिल्लू को फोन लगाओ। चीते चीते फोन लगाओ। उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है मैडम सर। जैसे ही खबर मिले हमको तुरंत कॉल कीजिए, ठीक है? धन्यवाद। हाँ थोड़ा ठीक है, ठीक है ठीक है, चलो। चंपक जी कुछ? नहीं मैडम। छेदी जी कुछ पता चला? नहीं मैडम। कुछ आप ये देखिए मैडम। का है? हमें जो गाड़ी सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रही है, इसी की सहायता से किडनैपिंग हुआ है, लेकिन इसका नंबर जाली है। और इस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए जो पेपर यूज किए गए थे मैडम, वो सब फर्जी थे। ये दोबारा से एक बार वीडियो चलाना, क्योंकि हमें देखना है ये जो मेकअप का किट है ये वहां तक पहुंचा तो पहुंचा कैसे। ये देखिए, देखिए मैडम, यही वो आदमी है जो मेकअप का सामान गाड़ी में छोड़ के गया है। नहीं नहीं, वो छोड़ के नहीं गया चंपक जी, उसका बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि वो लेना भूल गया है, उसे गलती से छूट गया है वहाँ पे। लेकिन सिर्फ इससे हमें क्या पता चलेगा मैडम? नहीं हम समझ पा रहे हैं कि इससे क्या पता चलेगा, सारी कड़ियां आपस में ऐसे बिखर गए ना, हम उसको जोड़ नहीं पा रहे हैं आपस में। मतलब अचानक से डीएसपी सर का ऐसा अपहरण होना, ये मेकअप का किट उनकी गाड़ी में पहुंचना, घटना स्थल पे मैडम सर के कजन का होना, और ये पकड़वा विवाह के बाद महिला पुलिस थाना का बंद होना, ये चक्कर हम समझ नहीं पा रहे हैं। और जितना हम हसीना मैडम को जानते हैं, वो चुप बैठने वालों में से नहीं है।
पक्का वो कुछ ना कुछ तो कर रही होंगी हमारे महिला थाना को बचाने के लिए। हमको ऐसा लग रहा है ना कि ये जो सारी कड़ियां है ना, ये एक ही माला की लड़ी है, लेकिन हम उसको जोड़ नहीं पा रहे। पता नहीं कहाँ चल रहा है ये हमारे। चंपक जी, आप एक काम कीजिए, मैडम सर का फोन ट्रैकिंग पे डालिए, ट्रेस कीजिए उनका नंबर, ठीक है? जी मैडम। अभी 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 कीजिए, अभी कीजिए। हाँ, अभी। और आप दोनों भी कुछ और पता चलता है तो हमें बताइए। धन्यवाद। जी मैडम। दूल्हा, मास्टर जी ने तो दूल्हा देख लिया है, हम भी तो देख ले दूल्हे की शक्ल। बाबा, ये मछली की जगह मगरमच्छ। मैडम सर का कजिन यहाँ होना चाहिए, उसकी जगह डीएसपी सर कैसे आ गए? ये आए मोमेंट पे प्लान चेंज कर देते ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सर, 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 ये क्या दुसाहस है? तुम जानते हो तुमने किसको उठाया है? सर सर, I'm really spy. आप बिल्लू के पिताश्री हैं? हैं? सर, ये देखिए। सर, जानते हुए भी कि हम कौन हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमें यहाँ उठा लाए? मैंने नहीं उठाया सर, मास्टर जी के आदमी ने आपको उठाया। सर, हम बहुत मुसीबत में हैं, आप अपना हाथ और दिमाग काबू में रखिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। पको। लेकिन हसीना जी के इस पूरे प्लान में हम कहाँ फिट बैठते हैं? हमारा अपहरण क्यों किया गया? सर सेम सवाल यार, मेरी भी समझ भी नहीं आ रहा है ऐसा कैसे, मतलब मैडम सर के कजिन की जगह आप कैसे पहुंचे? लेकिन सर, आप ये प्लान ना पूरा कीजिए, मिस हसीना के मिस अंडरस्टैंडिंग को आप कंटिन्यू कीजिए। सर सर सर, प्लीज हमें बचा लीजिए वरना। वरना सर, बस मैडम सर जब तक आती नहीं है तब तक आप वही समझ कर रहिए जो वो समझ कर आपको यहाँ पकड़ कर लाए हैं सर, बस। कौन? शशांक, लंडन रिटर्न हेयर स्टाइलिश ड्यूड। यो यो कटिंग। नमस्कार। नमस्कार। कौन है आप और हमें उठाकर यहाँ क्यों लाया गया है? तुम्हारी शादी इनकी लड़की के साथ होने वाली है, आज तुम एक नए जीवन का शुभारंभ कर रहे हो। बकवास है ये। नहीं बेटा, इंसाफ है ये। अब देखो, ये गरीब इंसान अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे खानदान में उन्होंने लाखों रुपए दहेज के मांग ली। कहां से लाते, क्या करते, इसलिए उठा लिया तुम्हें। उत्तम। पिताश्री, आप थोड़ा यहाँ आएंगे? हाँ हाँ। कितने नेक विचार हैं आपके, बिल्कुल हमारी तरह। बड़ा नेक काम कर रहे हैं आप। हम भी पुरजोर विरोध करते हैं दहेज प्रथा का। वो तो हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, इसलिए अभी तक चुप हैं। वरना हमने तो पहले से ही ठान लिया था कि जब भी हमारा विवाह होगा हम दहेज कभी नहीं लेंगे। वैसे हम इस विवाह के लिए तैयार हैं। वाह, शाबाश। चलो। क्या हुआ? संतु जी, चलिए चलिए चलिए। चलो चलो चलो। मैडम आसपास ना हर जगह पूछे, मास्टर जी का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। पता भी होगा तो भी थोड़ी ना बताएंगे, बोलो मास्टर जी के अनुभक्त जो ठहरे। ये बात भी सही है। शादी अगर हो रही है तो हो कहाँ रही है? नहीं नहीं मैडम सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि डीएसपी सर की शादी अगर इकबाल से हो जाएगी तो फिर उनका क्या होगा? उनकी तो लाइफ ही बर्बाद हो जाएगी ना मैडम सर, वो समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? इकबाल के लिए तो ठीक है, चलो उसकी लाइफ ही सेट हो गई, लेकिन डीएसपी सर, उनका वंश कैसे आगे बढ़ेगा?
चुप करो संतु। संतु जी। क्या संतु जी? और संतु कुछ नहीं होगा ऐसा। चीता चतुर्वेदी, एक आइडिया है हमारे दिमाग में, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हो जाएगा। शहर में जितने भी पंडित हैं, उन सब की एक लिस्ट निकालो। उस लिस्ट में से हर एक को फोन करके पूछो कि आज के दिन वो कहीं कोई शादी करवा रहे हैं क्या। अगर किसी भी शादी पर शक हो, फौरन अलर्ट हो जाओ और उस शादी की सारी इन्फॉर्मेशन निकालो। हो सकता है कि मास्टर डी ये शादी करवा रहे हैं। चलो, बहुत अच्छा आइडिया है। थैंक यू पुष्पा जी, चलिए जल्दी काम पे लग जाओ। हाँ जी, ना ना, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत ज्यादा धन्यवाद, आप हमको इतना ही जानकारी दिए बाबा। प्रणाम। नहीं कुछ लगा तो फोन करेंगे हम, चिंता मत कीजिए। जी जी, प्रणाम बाबा। मैडम सर, सारे पंडित लोग से लगभग बात हो गया, कोई भी ऐसा संदिग्ध विवाह करवाने नहीं गया जिस पर शक हो। हाँ, एक पंडित जी हैं, वो पहले फोन नहीं उठा रहे थे, अब उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मैडम सर, मैडम सर, मैंने उनका फोन ट्रैकिंग पे डाला है। उनकी लास्ट लोकेशन शहर के बाहर अपना गोदाम करके गोडाउन है, वहां थी, और उसके बाद उनका फोन स्विच ऑफ था परमानेंटली। एक पंडित को शहर से इतनी दूर एक गोडाउन में क्या काम हो सकता है? अरे मैडम जी, हमको लगता है कि पंडित जी गोडाउन में मंदिर बनवाने गया होगा। डीएसपी सर और मास्टर जी दोनों वहीं मिलेंगे हमें, इसी गोडाउन में। चलो। ये पापा? कौन पापा? हाँ हाँ, मैं पापा, मैं गरीब पापा, गरीब बेटी का गरीब पापा। अच्छा, ये बता ना, ये क्या हो रहा है डीएसपी सर से हमारी शादी? वैसे तेरी औकात कांस्टेबल से शादी करने की भी नहीं है, डीएसपी सर से हो रही है, खुशी मना। ए बिल्ले, बहुत मजाक सूझ रहा ना तुझे। अच्छा चल, हमारी दुकान पे आना, तेरी बालों का ऐसा अंतिम संस्कार करेंगे ना, अगले जन्म में बंजर खोपड़ी पैदा होगा तू। चनिया चोली में है, चनिया चोली में रहें, ज्यादा खोदक मत, नहीं तो पकड़ा जाएगा। ये सब एक बार नहीं छोड़ेंगे तुम्हारा, वैक्सीनेशन करके दफना देंगे। अच्छा, वो सुना है ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, बट आप जहाँ जाएंगे तुमको लेके जाएंगे, चिंता मत करो। और को बुलाइए। हाँ पंडित जी, बस मैं ला रहा हूँ। ये है दूल्हे राजा। पंडित जी, आप विवाह की रस्म पूरी कीजिए, फिर आ जाए। हमारे होने वाले पिताश्री। कौन? तुम? हाँ मैं गरीब बाप, गरीब बेटी का गरीब बाप शकल दिखा। अगर हसीना जी वक्त पर नहीं आई ना और ये विवाह हो गया तो हम आपकी अर्थी को अपने हाथों से सजाएंगे। समझ गए सर, लेकिन इसकी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि ये शादी हो भी गई तो मायने नहीं रखेगी, क्योंकि घूंघट में लड़की नहीं लड़का है। ए, शकल दिखा डरा सर को। सर सर सर, सर हम एक बार, हम आपसे शादी नहीं करना चाहते, हमको बचा लीजिए प्लीज। सीधा 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 जीते। हाँ हाँ, सीधे लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। हाँ लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। हाँ 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 हाँ। चीता चतुर्वेदी, क्या कर रहे हो? खड़े हो जाइए। हिलने की कोशिश मत करना वरना बहुत बुरा होगा। आप सभी को गैर कानूनी पकड़वा शादी और अपहरण के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। किसी को कुछ मत बताना, चुप रहना, बिल्कुल कुछ नहीं बताना,
किसी को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है मास्टर जी, क्योंकि ये सभी ना हमें रिपोर्ट करते हैं। डीएसपी अनुभव सिंह, जनपद लखनऊ, स्वयं आपकी सेवा में उपस्थित है। और हमें भी देखिए, हम लड़की नहीं है, लड़का है। आ, बहुत तकलीफ दिया। अगर किसी ने मास्टर जी को छुआ भी तो छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। ए, मास्टर जी हमारे भगवान है। हाँ। और हमारे होते हुए हमारे मास्टर जी को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। नहीं राघव, रुक जाओ साहब। बांध दो इनको। अब आदेश दीजिए मास्टर जी, इन सब की चिताएं यहीं जला के खाक कर देंगे। ऐसी सजा देंगे इनको कि अगली बार मास्टर जी को छूने से पहले 100 बार सोचेंगे। खत्म कर दो इन सबको। चल। संतू जी, आप कैसे भी करके भाग जाइए। क्या करें, कैसे निकले? मैडम सर,